नाजरीन, बहुत दिनों से एक बात थी कि ना शहर मैसूर जो अपने आप में एक तारीख रखता है, हर कोई हजरत टिपू सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस सरजमीन को मनसूब करता है। इसी सरजमीन में कुछ ऐसे फनकारान भी हैं जो अपनी सालों से खामोश खिदमत करते आए हैं। उन तरह कई मुख्तलिफ शोबों में अपने अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मुसव्वरी यानी आर्ट के मैदान में पिछले कई सालों से अपनी खिदमत पेश करने वाले मुनव्वर हुसैन के घर आया हुआ हूँ। उन्हीं से जानेंगे कि वो एक्चुअली मिर्ज़ा गालिब के तलक से जो शेर कहा करते थे मिर्ज़ा गालिब, उन्हीं शेर पे तस्वीर को अपनी तस्वीर बना लिया करते। ये एक अपनी मुनफरिद पहचान है। मैं इसीलिए कुछ मजीद जानकारियों के लिए उन्हीं के घर आया हूँ जो मैसूर मंडी मोहल्ला में वाकई है। मुनव्वर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप कितने साल से ये इसमें जी? मेरा नाम सैयद मुनव्वर हुसैन है जी। वालिद का नाम सैयद अब्दुल अजीज है जी। मैं पिनकुंड से आंध्र प्रदेश से हूँ जी। लेकिन मैं यहाँ से बचपन से ही इधर आ गए जी। उसके 60-70 साल से मैसूर में रह गए जी। मेरी तालीम चामराजना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एज ए आर्टिस्ट के तरीके से मैं किया हूँ जी। और मैं उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में 3 साल का कोर्स किया जी। उसके बाद वहीं चंद साल 3 साल तो मैं फिल्म लैंड में था जी। फिल्म लैंड में जो हालांकि मुझे पसंद नहीं आई, मैं फिर मुझे मेरी जॉब यहाँ मैसूर में ही मिल गई जी। मैं एज ए सीनियर आर्टिस्ट सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए सीनियर आर्टिस्ट के तौर से मैं काम किया जी। मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद मैं अब सोचा कि अब क्या करूँ, किसी का ख्याल आया कि मैं मिर्ज़ा ग़ालिब के अशआर पर कुछ नया काम करूँ। ऐसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे आर्टिस्टों ने किया है, लेकिन मेरा अलग एक मुनफरद ये है ख्याल है कि मैं मिर्ज़ा ग़ालिब के अशआर पर शेयर करूँ। मेरे इस शेयर का 5 दिनों का एक उर्दू अकेडमी से नुमाइश की गई जी, जिसमें मुझे बहुत सराहा गया जी। और बहुत सारे स्कूलों में और सभी में बार हर माहाना एक एग्जीबिशन होती ही रहती है मेरी जी। और खुशन अलावा इसके मैं मिर्ज़ा ग़ालिब के पेंटिंग लगभग 30 पेंटिंग्स किया हूँ। अच्छा। और भी मैं कंटिन्यू करने का इरादा सर, है। कितने सालों से आपके मेरे पेंटिंग? जी, मैं पेंटिंग से लाइन में 40 साल से हूँ। अच्छा। उसका आप ये देखने वालों को आप मिर्ज़ा ग़ालिब के तौर से कुछ बता रहे थे, उसका कुछ नमूना बता कर यहाँ पे बता दीजिए जी। ये मैं एज ए नमूना में बता रहा हूँ आपको जी के इस शेर का मतलब है, बनाकर फकीरों का बेस गालिब तमाशा आले करम देखते हैं। ये इस शेर पर मैंने ये तस्वीर बनाई है जी। इसी तरह इसको बताइए। इसी तरह आते ही गायब से मजामिन ख्याल में गालिब शरीर खाने नवाज शुरू है जी। शेर के जो मुनासिब से आप तस्वीर बना लेते हैं, तस्वीर बनाए तो इस तरह के कई तस्वीरें बना चुके हैं आप? मैं कहता हूँ इसी हिसाब से 30-40 पेंटिंग्स भी किया हूँ इसके। अच्छा अच्छा। इसके फिर किया हूँ। तो मिर्ज़ा ग़ालिब से कुछ खास आपको? नहीं, ऐसे तो मिर्ज़ा ग़ालिब तो एक मशहूर शायर है, आज़म शायर है, इकबाल और इसके ज्यादा जी, है। जी, जी। लेकिन इसके बाद में अल्लामा इकबाल के अशआर पर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। सर मिर्ज़ा ग़ालिब के अलावा पेंटिंग में और क्या क्या करते हैं सर? मैं ऐसे तो मेरे लैंडस्केप वगैरह पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं, और मेरे ज़्यादातर पेंटिंग्स में अमेरिका चले गए हैं पेंटिंग से लैंडस्केप के। इन लोग मेरे पास और दूसरे में और एग्जीबिशन भी करने का इरादा रखा हूँ। हालांकि मुझे 10रा एग्जीबिशन बहुत सारे प्राइजेस हैं, और 2013 और 2014-15 में भी मुझे इनामत दिए 10रा एग्जीबिशन में। अच्छा अच्छा। मनोहर साहब, आज नौजवानों में पेंटिंग हो या किसी और तलक से हो दिलचस्पी कहीं ना कहीं कम ही हो रही है, अब इस तलक से आप नौजवानों को कुछ कहेंगे पेंटिंग्स के तलक से हो या कोई और चीज़ें? क्योंकि जब से ये जदीद टेक्नोलॉजी बनी है नौजवान हाल ही वक्त में भी कुछ करना नहीं चाह रहे, उनको एक मैसेज देंगे आप? ना, ये तो मेरा तो ख्याल तो है कि ये मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ये ख्याल बिल्कुल कम है जी। गैर खौम में ज़्यादा इसका ये जी, है। हालांकि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं गैर खौम के ज़्यादा तो गैर कौम के लड़के जी, हैं जी, जी। हमारी कौम का भी ये नहीं है। हम ये सोचें कि इस उदयगिरी में भी एक स्कूल खोलने का इरादा है हमारा, ये हमने इसका प्रपोजल शुरू किया है। इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो आप मेरे इस काम में भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे चैनल से हम आज इस मकसद से निकले हैं। मैसूर चूँकि तारीखी शहर है, लेकिन यहाँ आप जैसे लोगों को लोग खासकर नौजवान लोग नहीं जानते, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि आपकी खिदमत को सामने लाया जाए। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो आप दे दीजिए। ठीक, ये तो मैं ये बहुत अच्छा ख्याल आप लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ इस टीवी का।
जिन्होंने मुझे मेरे इस मेरे इस नुमाइश को अपने आए और मेरे से कबूल किया रब्बुल आलमीन। या अल्लाह मेरा अल्लाह का शुक्र है, रब्बुल आलमीन का शुक्र है। या और मेरा ख्याल है कि आज के नौजवानों को मैं ये तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि और जो भी आएंगे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ये मेरा इरादा होता है, स्कूल भी खोलने का इरादा है सिर्फ मुस्लिम एरिया में। जी जी सर, शुक्रिया सर। जैसा कि देखा अभी आपने, मुनव्वर हुसैन साहब ने अपने तमाम यानी उनके अंदर जो सलाहियत हैं, ये जो भी किया है उन्होंने, उनके तासीरात बता दिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी फिक्र जाहिर की कि बनिस्बत दिगर कौमों के हमारे नौजवान कहीं ना कहीं हर शोबे में पीछे ही नज़र आ रहे हैं। और इसी फिक्र के तहत उन्होंने उदयगिरी में भी कुछ स्कूल वगैरह के एक फिक्र में है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहो तो आने वाले दिनों में नौजवान नस्ल शायद इनसे कुछ सीख पाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम इन्हीं तरह के दीगर फनकारों को पहुँचने की कोशिश में हैं, ताकि मैसूर में जो जो लोग अपनी खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको हम नौजवानों तक पहुँचा दें, यही हमारा मंशा है। मैं सफदर कैसर आसिफ।